हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लो असम सोफा हैप्पीनेस। कैसे आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताना। तो विश यू हैप्पी दिवाली। आगे दिवाली आ रही है और आप सभी का किस तरह से तैयारी चल रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो यहाँ पर ही हूँ, मीन्स मेरे इन लॉज के प्लेस में हूँ। तो जो भी सारा घर यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह होता है वो सब दशहरा से पहले ही हो जाता है। तो दिवाली के लिए कुछ इस तरह से हड़बड़ी नहीं होता है, आराम से आप घर को डेकोरेट कर सकते हो। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछ रहे थे कि दी घर का टूर दीजिए, मीन्स मेरा जो बेंगलोर का घर है और दिवाली डेकोर किस तरह से आप किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत सारा मुझे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहा था। बट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, दिवाली के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। तो दिवाली के बाद ही मैं उधर जाऊँगी और तब जो घर का डेकोरेशन अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मेरा वो नॉर्मल डेकोरेशन होगा। दिवाली के लिए जो भी डेकोरेशन वगैरह होगा कोशिश करती हूँ यहाँ पर जो भी सारे मेरे बस में है वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा अलमीरा का टूर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक येलो कलर का अलमीरा, ये एक आयरन का अलमीरा है जो कि मैं शादी के टाइम पर मुझे मेरे पापा मम्मी ने दिए थे। तो ये बहुत पुराना है, इसको बनाया गया था कस्टमाइज करके टाइम पे। इस अलमीरा का कॉस्ट है 15,000। अभी बहुत ज्यादा ये भारी है तो अभी तो बहुत ज्यादा कुछ प्राइस ही होगा। बट इस तरह से मेरे यहाँ पर सारा सामान मैं यहाँ पर ही रखती हूँ, मेरा जो भी शादी का सामान है या ज्वेलरी वगैरह है जो भी छोटे मोटे मेरे पास है वो सब यहाँ पे ही रहता है। तो इस अलमीरा को जब भी मैं आती हूँ क्लीन करके हमेशा रखती हूँ। तो इस बार भी मैंने क्लीन किया था तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ किस तरह से मैंने क्लीन करती हूँ, किस तरह से मेरे अपना जो साड़ी वगैरह है, जो भी कॉस्टली वगैरह साड़ी है, जो भी पट्टू साड़ी है वो सब यहाँ पे ही रहता है। तो वो सबको किस तरह से रखती हूँ बहुत ही अच्छे से वो सब आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी। उससे पहले दिवाली है तो दिवाली के लिए मैंने कुछ शॉपिंग किया है, चलिए जल्दी जल्दी से वो शॉपिंग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद ये अलमीरा का पूरा टूर दूंगी और किस तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया है, मीन्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया है और किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। दिवाली के लिए जो मस्ट होता है वो है क्लॉथिंग और उसके साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी। तो क्लॉथिंग तो मैंने आप लोगों के साथ, जो लोग मुझे ओडिया चैनल पे फॉलो करते हैं वहाँ पर मैंने शेयर किया था। तो यहाँ पर कुछ ज्वेलरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, इनके सबको अगर परचेस करना है आपको क्लॉथ के साथ जो भी आप पहनेंगे दिवाली पर उसके साथ अगर मैचिंग हो रहा है तो आप वो जाके ले सकते हैं। ये सारे मैं प्रोडक्ट आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी वो अमेजोन से लिया है, उसका एक माय होल स्टोर का लिंक भी दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको दोनों लिंक मिल जाएगा। तो पहले मैंने लिया है एक बैंगल्स, मुझे बैंगल्स की बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये जो बैंगल्स है कुछ इस तरह से प्लास्टिक में डब्बे में आया था और सिल्क की जो थ्रेड है इस तरह से बनाया गया है। ये बैंगल्स को बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं था, बहुत अच्छा सा प्राइस था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल के लिए ये बैंगल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगी, कोई भी आउटफिट पर मीन से आप लहंगे के साथ पहन सकते हैं, सलवार के साथ पहन सकते हैं, साड़ी के साथ पहन सकते हैं। तो ये था मेरा पहला बैंगल्स। ये जो बैंगल्स है कुछ इस तरह से ओपन होता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24 बैंगल्स। जो पतला है वो मेटल का है और जो मोटा मोटा साइज में है वहाँ पर सिल्क का काम किया गया है, उसके ऊपर सिल्क के ऊपर जो थ्रेड वर्क किया गया है उसके ऊपर कुंदन वर्क किया गया है। तो पहनने के बाद बहुत सुंदर दिख रही थी, मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं। मेरे पास ग्लास की बैंगल्स बहुत है बट सिल्क की जो थ्रेड की जो बैंगल्स है वो नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं। लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतना से ही मेरे जो पूरा हाथ है वो कितना अच्छे से सुंदर दिख रही है, तो मैं इसको साड़ी के साथ पहनूंगी। तो ये था मेरा पहला ज्वेलरी। एक और एक बैंगल्स जो कि मेटल का है और मोतियों का काम किया गया है। तो ये है वो बैंगल्स, मोतियों का यहाँ पर काम किया गया है, बहुत सुंदर है। इसका भी प्राइस बहुत कम था, मैंने जो यहाँ पर साइज़ लिया है वो ये है 26। यहाँ पर आपको इस बैंगल्स में 24, 26, 28 डिफरेंट साइजेस वहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहे तो चेक करके ले सकते हैं। तो ये था ओवरऑली बैंगल्स। के बाद मैंने लिया है एक ईयरिंग्स, आपको दिखा देती हूँ। ईयरिंग्स बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। ये है ईयरिंग्स,
कुछ इस तरह से है। और एक ईयरिंग्स मैंने लिया है, इसको भी मैं अभी तक ओपन नहीं किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है और एक ईयरिंग्स, ग्रीन कलर का है, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ये, और बहुत लाइट वेट है, तो मैं आराम से इसको पूरा दिन भर के लिए कैरी कर सकती हूँ। बहुत सुंदर लगा मुझे ग्रीन कलर का। और ये जो छोटा सा मोती का यहाँ पर है ना, इसका प्रेजेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये था ईयरिंग्स। के बाद मैंने लिया है एंजल के लिए कुछ हेयर क्लिप, और ये मेरे लिए भी मैंने ले लिया है क्योंकि बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये मैंने लिया है ज्वेल गैलेक्सी का ब्रांड का जो नेम है वो ज्वेल गैलेक्सी है। आगे और भी लूँगी। यहाँ पर ये है हेयर क्लिप, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप का यहाँ पर क्लिप दिया गया है। तो इसको आप इस तरह से करके इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एंजल के लिए हो जाएगा और मेरे लिए भी हो जाएगा। एंजल के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी, इसको यूज़ कर सकती हूँ, और ये जो मोती का है वो भी यूज़ कर सकती हूँ। बहुत सुंदर है, इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत ट्रेंडी सा डिज़ाइन में है। इसके बाद मैंने लिया है एंजल के लिए एक शैम्पू, ये है मिमी का, तो ये इस तरह से ही ले लिया है। उसके बाद मैंने लिया है और एक नेक पीस जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है, ये है नेक पीस। बहुत सुंदर सा मल्टी कलर का काम किया गया है, किसी भी साड़ी में ये अटैच हो जाएगा, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको एक रख लेते हैं पास में, क्योंकि मल्टी कलर जो है कभी ना कभी काम में आता है। तो ये था मल्टी कलर का, ये हो गया। बस इतना ही मैंने शॉपिंग किया था दिवाली के लिए। अभी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे अलमीरा किस तरह से क्लीन किया है, और उसके बाद पूरा क्लीन होने के बाद किस तरह से रखा है, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है सारा सामान को, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरा पूरा अलमीरा जो कि आयरन से बनाया है, और बहुत स्टडी है, बहुत स्पेसियस भी है, काफ़ी सारा सामान मेरा रह जाता है यहाँ पर। तो ये देखिए कितना ज़्यादा मेस होके पड़ा है, तो अभी सब एक एक करके सारा सामान को यहाँ पर निकाल रही हूँ। यहाँ पर मेरे साइड में बेड भी है, और उसके साथ साथ जब से मैं आई हूँ तब से मेरा लैपटॉप मोबाइल कैमरा यहाँ पर ही चार्ज करती हूँ एक टेबल के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा साइड में कर रही हूँ, और एक एक करके सारा जितना भी साड़ी मेरे पास है वो सब यहाँ पर निकाल के रख लूँगी। और बाकी जो सारा सामान है वो सब खाली करने के बाद ही मुझे पता चल गया कि कौन सा सामान कहाँ पे रखूँ। तो सारा सामान को मैं अभी रेंडमली निकाल रही हूँ, और रेंडमली जो बेड के ऊपर रख रही हूँ, और उसके बाद ही पूरा मीन्स क्लीन करने के बाद मैं एक एक करके ऑर्गेनाइज करूँगी। तो जब भी मैं आती हूँ सारा साड़ी को धूप में थोड़ा सा रखती हूँ, ताकि मेरा जो ये साड़ी है कभी कभी मैं पहनती हूँ, और बहुत कस्टली कस्टली साड़ी है, कोई 20,000 का है, कोई 15,000 का भी है, तो बहुत कस्टली साड़ी को थोड़ा सा धूप लगा के अगर आप फोल्ड करके रखते हो तो वो काफ़ी दिनों तक रह जाता है, नहीं तो उसमें कीड़े भी लगने का चांसेस रहता है, और एक बदबू सा आता है, एक सीलेंट टाइप का जो स्मेल है वो भी रहता है। तो उसकी वजह से सारे साड़ी को यहाँ पर मैं कुछ कुछ मैट के ऊपर मैंने रखा है, और बाकी जो है मैंने हैंगर में टांग लिया है। उसके बाद इस बीच में मैंने सोचा कि 2-3 घंटे के लिए मैं धूप में छोड़ दूंगी, और बाकी जो सारा गंदगी था यहाँ पर ये जो अलमीरा में वो सब यहाँ पे निकाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कपड़े में ही साफ कर रही हूँ, कुछ भी मैंने पानी फानी कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि आयरन का है तो पानी या कोलिन से मैं अगर साफ करूँगी तो रस्ट लगने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से सिर्फ सूखा कपड़ा से मैं यहाँ पर साफ कर रही हूँ। उसके बाद मैं डाल दूँगी न्यूज़पेपर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लाइनर मीन्स जो सेल्फ लाइनर है वो नहीं है, तो मैं हमेशा न्यूज़पेपर ही डाल के रखती हूँ, ताकि गंदा होने के बाद मैं न्यूज़पेपर को ही आराम से चेंज कर सकूँ, और वो बहुत इजीली चेंज भी हो जाता है, अगर मैं गंदा करती हूँ तो भी बहुत इजीली मैं उसको चेंज कर पाती हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पर साइड में आप लोग देख सकते हैं एंजल सो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये सारा कपड़े को अभी अच्छे से फोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि ऊपर से मैं लेके आ गई थी सारे कपड़े को, तो आने के टाइम पर कुछ कुछ मीन्स इधर उधर हो गया था, फोल्ड से निकल गया था, तो सारे जो साड़ी है जितना भी फोल्ड
अच्छे से करके रखी थी वो सब यहाँ पे रख लूँगी। और लास्ट में बस ये चूड़ी का स्टैंड। तो अभी चलिए मैं आपको कंप्लीट एक लुक देती हूँ मेरा पूरा अलमीरा का। तो अभी चलिए मेरे देख लेते हैं मेरा अलमीरा किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। तो जब मैं ओपन करती हूँ कुछ इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा कलरफुल सी साड़ी नज़र आएगी पहले ही। तो यहाँ पर जितना भी साड़ी मेरे पास था वो सब मैंने हैंग करने के लिए ट्राई किया है, क्योंकि हैंग करने से क्या होता है कि साड़ी आँखों के सामने रहता है और पहनने के लिए भी इच्छा होती है। जो भी साड़ी मेरे पास ये सर है ये सब शादी के टाइम के साड़ी है। अभी मैं 4-5 सालों से जो भी साड़ी मैंने खरीदा है वो सब बेंगलोर में है। यहाँ पर जो साड़ी था वो ये सारे शादी के टाइम पर मेरा कलेक्शन था। कुछ कुछ पुराना कलेक्शन हो चुका है, कुछ कुछ नया कलेक्शन भी है, अभी तक भी चल रहा है वो डिजाइन का साड़ी। और ये सारे मेरे मीन्स कॉटन की सारे साड़ी है जो कि मैं कभी कभी पूजा वगैरह में पहनती हूँ। और बहुत पहले मैं ड्रेस के अलावा साड़ी प्रिफर कर रही थी यहाँ पर पहनना, तो ये साड़ी तब यूज हो रहा था। और पीछे भी बहुत सारा साड़ी है। तो यहाँ पर जो भी सारे कॉस्टली कॉस्टली साड़ी था जो कि अराउंड रेंज 5,000-6,000 की साड़ी यहाँ पर मैंने इस तरह से हैंग करके रखा है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली मैंने इस तरह से बाहर में खुला होके नहीं रखा है, धूल मिट्टी वहाँ पर जम जाता है। और नैप्थलिन बॉल्स को भी मैंने जो पेपर में थोड़ा सा रैप करके भी डाला था ताकि अच्छे से एक खुशबू आए। और यहाँ पर एक स्टॉल है जो कि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और ये मेरी एक लॉकर है, अभी तो इसमें कुछ नहीं है तो इसकी वजह से अमेजन से कुछ कुछ आया था ज्वेलरी वो सब यहाँ पे रख रही हूँ। और ये है मेरी सबसे कीमती रैक जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे ये रैक अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर है मेरी सारी शादी का लहंगा और शादी का साड़ी, उसके बाद हस्बैंड का पहला गिफ्ट जो साड़ी एक साड़ी था वो भी मैंने यहाँ पर रखा है, हस्बैंड का शेरवानी यहाँ पर रखा है, और जो पट्टू साड़ी हम लोग यहाँ पे ओडिशा में बोलते हैं सिल्क साड़ी को, वो बहुत अच्छे से कुंदन फुंदन वर्क होता है वो सब यहाँ पे रखा है। नीचे मैंने पेपर लाइनिंग भी लगा लिया है। और यहाँ पर सारे मेरे ब्लाउज कलेक्शन कुछ है, जो भी नॉर्मली ब्लाउज होता है कटन का वो सब यहाँ पे रखा है। एक हैंडबैग मैंने यहाँ पर रखा है, ये न्यूली परचेस का है क्योंकि अभी यहाँ पर आने के बाद मैंने अमेजोन से शॉपिंग किया था वो इसलिए यहाँ पर रखा है। और नीचे मेरी शादी का एल्बम है। और बाकी ये जो पूरा लास्ट रैक में मैंने कुछ रैंडमली चीज़ें रखा है, एक सूटकेस के अंदर एंजल का छोटे छोटे कपड़े कुछ है जो कि एज ए मेमोरी के मैंने यहाँ पर रखा है, एक टेडी वगैरह है, और भी एक टेडी यहाँ पर रहता है बट अभी एंजल खेल रही है। तो मैंने यहाँ पे बस इतना ही सामान को ऑर्गेनाइज किया है। डोर की अगर बात करूँ तो डोर में इस तरह से चूड़ियाँ के लिए एक स्टैंड दिया गया है। तो जो चूड़ी मैंने नहीं पहनती हूँ रेगुलरली, शादी ओकेजन फंक्शन में पहनती हूँ, वो सब यहाँ पे रखा है। और दूसरे साइड में इस तरह से एक हैंग करने के लिए हुक टाइप का दिया गया है, जब एंजल मुंडन जब हुआ था तब उसका एक कैप रखा है, एक छोटा सा पॉट्स रखा है। बस ओवरऑली अलमीरा जो तो है कैसा लगा आपको पूरा अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन? मैं कुछ इस तरह से ही रखती हूँ और काफी ऑर्गेनाइज भी रहता है, और जो भी सारा साड़ी वगैरह है वो सब अपने जगह पर टिका रहता है। तो काफी अच्छा लगा मुझे खुद को ऑर्गेनाइज करने के बाद, काफी ज्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी दिख रही है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके पास इस तरह से अलमीरा है तो आप आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइज़र मैं इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं इतना नहीं रहती हूँ, मैं प्रीफर करती हूँ इस तरह से जो भी बड़ा बड़ा मेरे पास पॉलीबैग था उसके अंदर सारी साड़ी को आराम से सही सलामत रखूँ। तो बस ये था मेरा अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे एफर्ट के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं था, अभी थोड़ा सा बेटर है तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। हैप्पी दिवाली आप सभी को, बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। मिलती हूँ और एक इस तरह से नए वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।